नमस्कार। तो आज हम होली स्पेशल के अंदर बना रहे हैं रतलाम सेव और आलू भुजिया। ये दोनों चीज़ें बहुत ही फेमस है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है और घर में आप बड़े आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ये दोनों रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी और नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं बनाते हैं रतलाम सेव और आलू भुजिया एक छोटे से इंट्रो के बाद। रतलाम से बनाने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, यह ज़्यादा तीखा नहीं होता। और थोड़ी सी डाल रहा हूँ मैं इसमें हल्दी, अच्छा सा रंग आ जाएगा। 1/4 टीस्पून के करीब डाला है। 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और डाल रहा हूँ उसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा और इसमें जाएगी हींग, 1/4 टीस्पून के करीब डाला ही मैंने। और डालते हैं इसके अंदर, ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, 1.5 कप बेसन के हिसाब से लिया मैंने। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच डाला मैंने। और अच्छी तरह से इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं। एक बार डालते हैं 1 कप बेसन पहले और छान लेते हैं इसको। बेसन लेना है जो भी हमने, वो छान के ही लेना है। 1/2 कप और डालते हैं इसमें, 1/2 कप बेसन और डाला है मैंने, छान लेते हैं। और डालते हैं इसके अंदर 2 चम्मच मैं डालूँगा इसके अंदर चावल का आटा, ये छोटे चम्मच लिए तो डाल रहा हूँ मैं, थोड़े घर का पीसा हुआ था तो उसे छान लिया मैंने, कोई इसमें वो नहीं है। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले कि मोयन जो हमने डाला है ऑयल वो सारे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए इसकी मुट्ठी बन रही है फर्स्ट क्लास से, यानी मोयन एकदम परफेक्ट है इसका। आपको कम लगे थोड़ा तो आप थोड़ा सा डाल सकते हो, ऐसी मुट्ठी बननी चाहिए तभी हमारी जो रतलाम सेब बनेगी एकदम खस्ता बनेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके इसका एक हम डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट सा डो होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अभी डो हमारा सेट होने है, बस को हमने अच्छी तरह से मसलना है। जो हमें हाथों में चिपक रहा है ऐसा हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं, इस तरह अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अब बता भी दूंगा कि मैंने इसमें अभी कितना पानी डाला है। डो बना लिया है मैंने, 1/2 कप के करीब पानी लिया था, इसमें इतना बच गया है। अब थोड़ा सा हाथ पे हम लगा लेते हैं तेल हल्का सा, उस पर हल्का सा लगा देंगे बस। अब ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। इसके 2 पीस पोर्शन कर लिए मैंने, उस पर रख देते हैं गीला कपड़ा हल्का सा, यदि ये सूखे नहीं। सेब बनाने के लिए ये मैंने मशीन ली है और ये इसका ग्लास है, साइज़ ये वाले बनाऊंगा मैं सेब, मोटे मोटे निकलेंगे अच्छे। और इसके अंदर थोड़ा हम तेल लगा लेते हैं हल्का सा कि जब हम सेब निकाले तो आराम से हमारे निकल जाए कढ़ाई में। हल्का सा लगा दिया मैंने सारी तरफ और एक जो हमने डाली है, अब देख सकते हो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो सॉफ्ट होना चाहिए। और जितना जा सकता है उसके हिसाब से पैक करते हैं। थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अभी जगह है इसके अंदर, इसको भी डाल देते हैं और पैक करते हैं। तेल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, चेक करते हैं तेल गर्म हुआ क्या नहीं। मैंने एक डाला है यानी कि परफेक्ट है, तेल डालते ही ये ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आप अपने सेब डाल सकते हैं। ऐसे डालते डालते हैं गोल 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 बनाएंगे इसके, एक चक्री सी बना देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देते हैं इस तरह से,
नीचे की थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी है तो हम पलट लेते हैं उसको, डाला था हमने पहले इस तरह से आराम से चिमटी की मदद से रख के ऐसे पलट देते हैं इसको। ये सेब जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। ये हमारी हो गई है तो निकाल लेते हैं उसको, फर्स्ट क्लास की क्रिस्पी। आज मैंने हल्की करी है, अभी थोड़ा टेम्परेचर इसका डाउन होगा फिर हम दूसरा बैच निकालेंगे। बाकी भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं फटाफट। एक साइड से हो गए हैं तो उनको भी पलट लेते हैं। ये भी हमारे हो गए हैं तो निकाल लेते हैं इनको और अपने हम दूसरी वाली सेवियों की तैयारी करते हैं, यानी कि आलू भुजिया की। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। 1.5 कप बेसन से हमारी कितनी सारी बन गई और देखो कितनी खस्ता है ये। और कोई इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं है कि हमारे हाथों में ऑयल आ रहा हो, बिल्कुल ड्राई है जैसे बाजार की होती है। बाजार से भी काफ़ी अच्छी है कि बाजार वाला तेल कैसा है, क्या यूज़ कर रहा है आपको नहीं पता। हमने तो अपने पता है हमें ये तेल ऑयल यूज़ करा है और एकदम बढ़िया बने खस्ता। अब हम बनाएंगे इसके दूसरी वाली जो सेवियाँ होती है आलू भुजिया, वो बनाते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए और ये एकदम ठंडे हैं, हमें गर्म नहीं लेने। गर्म लोगे तो जब हम इसको कद्दूकस करेंगे तो वो लेस छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल ठंडे हैं। और मैं छोटी साइज से इसको ग्रेट कर लेता हूँ अच्छे से। मैंने एक परात रख दी है जिसके अंदर ये रखूँगा क्योंकि कढ़ाई छोटी हो रही थी, क्योंकि इसको हमें मसलना है, बिल्कुल एकदम फाइन करना है इसको, कोई इस पर चंक्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, तो हाथ से मलना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको अच्छी से ऐसे ऐसे करके मसल लेता हूँ पाम की मदद से। मसलना इसलिए ज़रूरी है, जब हम इसे मशीन से निकालेंगे तो उसके अंदर कोई गांठें ना आए, एकदम स्मूथ बने। तो मसल लेता हूँ मैं पहले अच्छी से, फिर मिलता हूँ आपसे। अच्छी तरह से मैंने इसको मसल मसल के बिल्कुल स्मूथ कर लिया, एकदम मक्खन की तरह हो गया है। अब मैंने बेसन लिया है, ये फ़िलहाल अभी 1 कप डाल रहा हूँ मैं। 2 कप लिए मैंने, 4 आलू के हिसाब से 2 कप बेसन लग जाता है, पर मैं अभी इसमें जो है 1.5 कप के करीब ही डालूँगा, क्योंकि मेरे छोटे जो आलू थे थोड़े छोटे थे, तो उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो मैं और डाल लूँगा उसके अंदर। और जो भी चीज़ हम लेंगे छान के लेंगे, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और ये 3 छोटे चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, इससे एकदम क्रिस्पीपन आएगा इसमें। और काली मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, आमचूर पाउडर है 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच है, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर लिया मैंने, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और ज़ीरा पाउडर जो लिया है रोस्टेड मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च रंगत के लिए और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है। ये जैसे चंक्स मोटे मोटे आए हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। और मैं मिंट थोड़ी सी पत्तियाँ पड़ी थी तो वही डाल रहा हूँ, कम से कम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच होनी चाहिए। मेरे पास 1 चम्मच के करीब ही थी, ध्यान दिया नहीं मैंने कि मेरे पास पड़ी है कि नहीं पड़ी। उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, आप चाहे तो कुछ सूखी मेथी भी डाल सकते हो, पर सही है ये, कोई नहीं, कोई चंक्स नहीं आएगा इसके अंदर। अब इसको हमने बगैर पानी डाले गूँथना है। मैं इसको अच्छे से मसल मसल के गूँथ लेता हूँ। ये हमारा अच्छे से मैंने गूँथ लिया है, ये 1.5 कप ही लगा है मेरा बेसन, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, कोई बात नहीं। अभी इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, 2 छोटे चम्मच लिए मैंने, और अच्छी तरह से इसको स्मूथ करेंगे इसके साथ मिला। अभी हाथ में चिपक रहा था तो तेल की वजह से ये चिपकेगा नहीं। और हमारे जो सेमिया बनेगी एकदम खस्ता बनेगी। मसल मसल के अच्छी तरह से इसको तैयार करते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है, नमक डालना भूल गया था, अब डालना पड़ेगा मुझे।
अच्छे उसको गूंदना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पे नमक ज़्यादा आएगा कहीं पे कम आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे चाट मसाला डला ही हुआ था हमारा, उसमें भी अच्छा खासा नमक होता ही है। तेल लगा के मैं उसको बिल्कुल प्लेन कर लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट है, ऐसे ही होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, दोनों ऐसे ही हैं। और मशीन मैं दूसरी लेकर आया हूँ इस बार, क्योंकि उस वाली पिछली वाली से मैं थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को, तो मैंने इस बार दूसरी लेकर आया हूँ। और मैं ये साइज़ के सेव निकालूंगा आलू के, तो मशीन में डालते हैं इसको, और मशीन में भी थोड़ा अंदर की तरह तेल लगा लेते हैं जिससे कहीं चिपके नहीं, और एक पेड़ा लेके इसके अंदर लगा देते हैं। तीसरे वाली लेकर आया हूँ मैं, पहले दूसरी थी मेरे पास गन वाली, वो सही से बना नहीं रही थी, प्रेशर नहीं बन रहा था उसमें। आप इसको लॉक करते हैं इसी से। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मशीन से निकालते हैं फटाफट। एक बार में जितने आ जाते हैं उतने हम डाल देते हैं इसके, बाकी इसको काट देते हैं। इससे नीचे से क्रिस्पी हो चुके हैं ये, तो पलट के इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और हमारे सेव तैयार हो जाएंगे ये वाले। एकदम क्रिस्पी आलू भुजिया हमारी रेडी है। ये वाली दूसरे वाली भी डाल देते हैं फटाफट। ये भी हमारी एक साइड से नीचे से हो गई है, तो पलट लेते हैं उसको। ये भी हो गया है, तो निकालते हैं और इसको सर्व करते हैं फिर फटाफट गर्म गर्म। लीजिए हमारी दोनों भुजिया रेडी हो गई है रतलाम से, जो हमने कल दिखा दी थी कितनी क्रिस्पी है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देख लीजिए, ये मैंने दूसरी जो बनाई है आलू भुजिया अगले दिन बनाई थी, क्योंकि मेरा मशीन दूसरी थी उससे सही से निकल रही थी, काफ़ी टाइम लग रहा था, धीरे धीरे निकल रही थी, तो मैं दूसरी लेकर आया था, तो ये आज बनाई है। ये देखो ये कितनी क्रिस्पी है। और इसका मैंने दूसरा उससे बनाई थी, साइज़ छोटा था उसका, और ये थोड़ी मोटी बनी है और ये थोड़ी बारीक बनी है, तो मैंने बारीक वाली भी बनाई है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और डेढ़ कप बेसन से हमारी कितनी सारी ये बनी है, और डेढ़ कप से ही हमारा रतलाम से बनी है। अब मार्केट में लेने जाने से अच्छा अपने घर की बनाइए, बढ़िया थी, खाइए अपने हिसाब से मसाला उसमें ऐड करके। आई होप आपको मेरी बनाई हुई रतलाम से आलू भुजिया की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर। और होली में आप जरूर बनाइए, मैंने होली के लिए गुजिया भी बनाई है, और मावा गुजिया और आपकी चाशनी वाली सूखी और चाशनी वाली दोनों बनाई है मैंने। रेसिपी देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।